हे गाइस, माय नेम इज सुल्तान, माय नेम इज मलाइका और आप देख रहे हैं मी वर्सेस यू ऑफिशियल। भाई मेगा एपिसोड आप लोगों के लिए आ चुकी है। बहुत सारे सब्सक्राइबर आज इतने मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम पे किए हैं कि आपने मेगा एपिसोड की पोस्ट लगाई है, तो क्या मेगा एपिसोड बॉलीवुड पे आने वाली है, क्या मेगा एपिसोड जो है वो BTS पे आने वाली है, क्या मेगा एपिसोड साउथ पे आने वाली है और मलाइका जी अवेलेबल होंगी नहीं होंगी, ये बड़े इंस्टाग्राम पे मैसेज किए। तो आज इन्होंने जो है वो, मैंने सुबह इनको कह दिया था कि हमने जो है वो कल वीडियो आपको दिन में ऑन एयर हो गई थी और रात में कोई वीडियो कल शूट हो नहीं सकी, तो ये जो मेगा एपिसोड आप लोगों के लिए अभी ऑन एयर हुई है ये कुछ टाइम पहले ही शूट हुई है, तो ये इसलिए आप लोगों के लिए जो है वो ऑन एयर हाथ के हाथ कर दी गई है, क्योंकि आप लोगों से वादा भी किया था कि मेगा एपिसोड आएगी। और दोनों वीडियोज़ जिस पे आज रिएक्शन हम देने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो पहले भी आपने देखनी है, दूसरी भी आपने देखनी है। और ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये तो दोनों वीडियोज़ है ना, इनको हमने थोड़ा सा शॉर्ट किया है क्योंकि इनकी ड्यूरेशन बहुत लंबी है, तकरीबन 10-10 मिनट की जो है वो ड्यूरेशन है, तो तकरीबन अगर हम एपिसोड जो बहुत तकरीबन कोई 30 मिनट का एपिसोड हमारा बन जाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इसलिए हमने वीडियोज़ को थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। आई होप कि आप लोग को मज़ा आएगा, आप लोग इन्जॉय करेंगे। तो इसलिए मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि आप लोगों के एडिटिंग में थोड़ा सा इशू होता है, इस वजह से जो है ना हमने आप लोगों को ये चीज़ पहले ही बता दी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो हमारी होने वाली है। चैलेंज 1, 2, 3 I'm trying to think straight. I just need a moment in my own space. Ask me how I'm doing, I say okay. Yeah. Main jadon tere khwaban wali raat duriya, main duriya bada nami to jave mudiya. O jive rehnde palan palle judde, main raavan tere naal yo na vaangu judiya. Main likhda hunda si tere bare adiye, jaake puch le gawane tare adiye. Jo kar de mazaak yo na hass lehne de, jo tan di kas di na nu kas lehne de.
गला करे ही नहीं होके दुनिया बना लिए भाई। पहली जो वीडियो जिस पे अभी हमने रिएक्शन दिया है वो मुझे पर्सनली अगर मैं कहूँ ना तो मुझे थोड़ी इतनी खास यूं नहीं लगी, क्योंकि उसमें जो है ना थोड़ा सा पीछे ब्लर भी किया हुआ था। आई थिंक ये जिन्होंने रिकमेंडेशन की है तो ये एडिटिंग है, ये जो है ना इसमें एडिटिंग बहुत ज़्यादा है इस वीडियो के अंदर, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर जो है वो BTS के मेंबर्स देखने को नहीं मिले। हाँ प्रॉपर मतलब मजा नहीं आया, शुरू में थोड़े से BTS के मेंबर्स नजर आए हैं लेकिन आगे जब वीडियो आगे बढ़ी तो वो स्क्रीन कभी छोटी हो रही है कभी बड़ी हो रही है, तो पर्सनली मुझे जो है वो इतना ज्यादा मजा इसमें नहीं फील हुआ। हाँ एडिट की हुई, तो अब अपनी नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कि वो हमें मजेदार लगती है या नहीं लगती है। तो टाइम वेस्ट बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी अगली वीडियो की तरफ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप लोगों को मैं वेट करवाऊँ किसी भी चीज़ में, क्योंकि आप लोगों ने वैसे ही बहुत वेट किया हुआ है मेरे एपिसोड पे। चलिए जी 1 2 3 ये कुछ कमाल करने वाले हैं। It is on.
भाई दोनों वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, लेकिन अकॉर्डिंग फर्स्ट वीडियो मुझे सेकंड वीडियो में थोड़ा मजा आया। सेकंड वीडियो में ज्यादा मजा आया, सेकंड वीडियो में मुझे मजा आया। और मजे की वजह मैंने आप लोगों को पहले भी बता दी है, अभी दोबारा बता देता हूँ कि एक चीज समझ आती है ना आपको, तो फिर उसको आपको सुनने में और देखने में आपको मजा आता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है। और अब इनसे पूछते हैं कि इन्होंने वक्त कैसे निकाला, ये कैसे आई? बहुत मुश्किल से मैंने वक्त निकाला। सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं कि वो काफ़ी बिजी रहने लग गई हैं, आती नहीं है वीडियो के अंदर, कहाँ बिजी हैं, तो कुछ मसरूफियात होती हैं। लेकिन मेरी अपनी पर्सनली कोशिश ये है कि वो वीडियो आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे ऑन एयर हो सके, क्योंकि मैं भी बड़ा मसरूफ जो है वो आदमी हूँ, आप लोगों को पता होगा। फेसबुक पे भी काम जो है वो चल रहा है, और इंस्टा पे भी आप लोग देखते होंगे, स्नैप पे भी चल रहा है, और टिकटॉक पे भी जो है वो काम चल रहा है, और बस कारवां चल रहा है। टाइम का सारा गेम है, सारा गेम टाइम का है। आप लोगों के लिए जो है वो टाइम निकाल के मेगा एपिसोड हम लोगों ने बनाई है। और अच्छा, एक सब्सक्राइबर जो है वो कमेंट उन्होंने किया था, उन्होंने ये सवाल किया था कि कोई भी सेलिब्रिटी जो है वो जब ड्यूरिंग परफॉर्मेंस होता है तो ग्लासेस क्यों पहनता है, रात में ग्लासेस क्यों पहनता है? तो आई थिंक आपको पता नहीं है, तो मैं आपको ये बता दूँ। देखिए 10% तो ये फैशन का हिस्सा है, ये फैशन में ये चीज़ आती है कि 10%, लेकिन 90% जो सेलिब्रिटीज़ ग्लासेस पहनते हैं रात में या डे में पहनते हैं, डे का तो आपको पता है कि सूरज की रोशनी से जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए पहना जाता है, लेकिन रात में जब आप कभी स्टेज पे जाएंगे तो बहुत हैवी लाइट्स होती हैं जिनको आपको फेस करना होता है, तो वो आपकी आई सेट पर डायरेक्ट जो है ना इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से कोई भी सेलिब्रिटी सिंगर हो या जो है वो एक्टर हो या कोई भी आर्टिस्ट हो, तो इस वजह से गॉगल्स को पहनता है, और ज़्यादातर ब्लैक गॉगल्स को पहनता है ताकि वो आई की जो प्रोटेक्शन है वो रहे, क्योंकि बहुत हैवी लाइट्स होती हैं, ऑडियंस नज़र नहीं आ रही होती, तो इस वजह से उसको जो है वो पहनना पड़ता है। तो ये आपका सवाल का जवाब मैंने आपको जो है वो दे दिया है। कमेंट में मैंने कमेंट में यूँ नहीं दिया, शायद आपको समझ आता नहीं आता ये बात, तो वीडियो के जरिए मैंने आपको ऑन एयर बता दिया है। तो मुबारक जी, वीडियो कैसी लगी? ऑडियंस से पूछे, मुझसे क्या पूछ रही है, मुझे तो पता है, मेरा फैमिली तो से के पूछ रही हूं। मेरा तो काम ही है, हम अपनी फैमिली से पूछेंगे ना कि दोनों मेगा एपिसोड कैसा लगा इन लोगों। मेगा एपिसोड आप लोग बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट आपने लाजमी ड्रॉप करके जाना है, लाइक आपने लाजमी करना है वीडियो को, और इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है जो BTS के फैंस हैं। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए आप जो है वो चैनल को, ताकि YouTube फैमिली ज्यादा बड़ी हो, प्राउड हो, मजा आएगा काम करने में, बिल्कुल ही। तो फिलहाल चलते हैं, दीजिए हमें इजाजत, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए हमें इजाजत, अल्लाह।